हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल पीरियड स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2 फेमिनिज्म, द स्टोरी ऑफ 3 वायलेट। नाउ द स्टोरी ऑफ 3 द थर्ड वायलेट। दिस इज द मैन ऑफ रघु। ही इज अ pickpocketer. Now continue the story. So let's start. He looked for the address of the owner of the wallets. He looked addresses. वह क्या देख रहा था? Address देख रहा था. Owners on the wallet, जिनका wallet उसने pick किया था, उनका वो address check कर रहा था. Having found them in the first two wallets, he made two piles of driving license and the cards. उसने क्या देख मिला था उसको? Driving license और card. किस में? जो first और two wallets, जो उसको उसने पहले दो wallets रहे थे, pick किए थे, उस पर उसको driving license और cards मिले थे. तो there are no use driving license and cards. Pocket, उसने क्या किया था? जो मनीज उसको मनी मिली थी वो उसने अपने पॉकेट में रख ली थी. तो दीज कुड बी मेल्ड बैक ऑन द ओनर्स. ही नेवर वॉन्टेड टू कंसर्न टू ट्रबल हिम. वो उसने क्या किया? उन ओनर्स को मेल करके उसे पैक कर दिया, दे दिया. वो किसी को भी क्या करता था? परेशान नहीं करना चाहता, कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था. Raghu was about to throw the third wallet along with the rest of the wallets when she stood to the letters. It was a scrap of dirty lined paper. Raghu was about through the third wallet. जिस wallet को उसने क्या किया था? Throw कर दिया था. उसे उसने क्या किया? देखा उसमें क्या था? बस stop spots थे letter में. उसके अंदर एक letter देखा, उसके अंदर बहुत सारा क्या लगा हुआ था? स्पॉट्स लगे हुए थे और बहुत डर्टी था. लाइंड पेपर था, फोल्ड था और एंड रीफोल्ड मल्टीपल टाइम्स. रीफोल्ड बार बार, मतलब उसको फोल्ड किया गया था. टिल इट बिकेम ऑलमोस्ट इनविजिबल. अब उसके अंदर क्या था? जबकि कुछ भी उसके अंदर दिख नहीं रहा था, वो कोई भी चीज़ें वहाँ पर विजिबल भी नहीं थी. हिज curiosity got the better of him. उसको इसको जानने के बारे में क्या थी? curiosity थी. In his line of the work, many were things turned up in the wallet, from the love letters to divorce letters. उसने बहुत सारे ऐसे pockets, pick pockets किए थे, but उस सब में उनको letters भी मिले थे. वो letters कैसे थे? उसके love letters और divorce letters भी थे, होते थे. He could read them. तो उसको ये था कि इसमें क्या है. With satisfactions to know that everyone else suffered as much he did in some way or the others. उसको ये लगता था कि कभी भी उसकी वजह से कोई सफ़र ना करे, वो अदर किसी प्रॉब्लम्स में हो. रघु अनफोल्ड द पेपर. रघु ने क्या किया? अनफोल्ड पेपर्स को देखा. ही इट वॉज रिटन इन हिंदी इन स्लोपी हैंड राइटिंग. इट वॉज हिंदी, वह हिंदी में लिखा था और स्लोपी हैंड राइटिंग थी. मैनी कट्स थे, स्क्रैचेस थे, अ फ्यू प्लेसेस ऑफ थिंक इंक. वो इंक अगर रहती है तो क्या होती है? जब आप बहुत ज़्यादा उसको फोल्ड कर दो या फिर पानी की जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो उससे वो क्या हो जाती है? इंक जो है वो फैल जाती है. तो सेम वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था. हैज़ बीन स्लेप्ट ऑन द ही टुक हिम सम टाइम बट मैनेज टू रीड. इतनी ज़्यादा इंक फैल गई थी कि उसको पढ़ना भी बिल्कुल आसान नहीं था, बट उसने क्या किया? रीड तो मैनेज, उसने मैनेज किया रीड करने. इट थ्रो वॉज द सोसाइटी. वो क्या लग रहा था? ये सोसाइट नोट दिख रहा था. रघु वॉज डन. रघु ने यह देख कर एकदम क्या हो गया? स्टैंड रह गया. नेवर इन हिज लाइफ उसने कभी भी ये चीज़ अपने लाइफ में नहीं देखा था. ही हैड कम अक्रॉस सच सिचुएशन.
The latter had the value mentions of his man going to jump into the sea near Haji Ali Dargah today. आज के दिन हाजी अली दरगाह पे क्या हो रहा था? बहुत से हाजी अली दरगाह में वो व्यक्ति क्या करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा था. जंप करके कहाँ पर? सी में जंप कर रहा. सो हिज वॉज वेयर द मैन वॉज गोइंग. रघु क्लोज्ड हिज आइज. उसने उसके बारे में सोचा कि उसने कहाँ से इसको पिक किया था. He could clearly see the man. उसने उसको वो पिक्चर जो है वो देखने की वो कोशिश कर रहा था. Whose pocket his had picked the train. उसने जिस ट्रेन से उसको पिक किया था उस ट्रेन में उस मैन की वो पिक्चर को इमेजिन कर रहा था. जस्ट इमेजिन कि किसकी थी ये. ही वॉज द मैन ऑफ रेड शर्ट एंड मैरून ट्राउजर. उसने याद किया और उसको क्या हुआ, उसकी मेमोरी में उसको मतलब उसकी पिक्चर्स जो है वो कुछ कुछ आ रही थी, जो कि वो क्या पहना हुआ था. उसने रेड शर्ट पहनी हुई थी और मरून ट्राउजर पहनी हुई थी. ही स्टूड द इंटायर कंपार्टमेंट हु वेयर सच अक्रॉस का बट ही सीम टू बी बून नाउ. अब इस समय उसको क्या है, ही रघु डस जम्प्ड इनटू द लोकल ट्रेन टू हाजी अली दरगाह. अब वो जल्दी से जंप करता है और लोकल ट्रेन हाजी अली दरगाह की जो जा रही होती है उसमें वो चला जाता है. He reached दरगाह in half an hour. वो कितने मिनट में पहुँच पाता है? हाफ एन आवर में वो दरगाह पे पहुँच जाता है. He kept praying. It was not too late. उसको लगता है कि वो क्या ज़्यादा लेट, वो भगवान से प्रे करता है कि वो लेट ना हो पाए, जल्दी ही वो पहुँच जाए. The man in maroon trouser felt at the peace with a wonder. She looked down the gentle flow of the sea. मरून ट्राउजर वाला वो व्यक्ति वो क्या कह देख रहा था, पीस ढूंढ रहा था. इस संसार में उसको पीस नहीं मिल रहा था. वो जेंटल फ्लो, वो सी की ऊंची ऊंची जो हाई फ्लोस थे उनसे वो सोच रहा था कि जब ये फ्लो आएंगे तो क्या होगा. लुक डाउन, वो उन फ्लो में ध्यान से उनको देख रहा था. ही स्टैंडिंग द रॉक्स बिहाइंड द हाजी अली दरगाह. वो उसी रॉक के पास जो है हाजी अली दरगाह के पीछे खड़ा था, एक चट्टान यानी रॉक्स के ऊपर. ही लुक्ड अराउंड. पीपल वर कमिंग टू द दरगाह टू प्रे. उसने देखा कि लोग वहाँ पर दरगाह में प्रेयर करने के लिए आ रहे हैं. सम ऑफ दम केम द रॉक्स टू एट द बैक ऑफ दरगाह टू टेक देयर पिक्चर्स. जैसे फिर अनवेयर of him and the emotions with the him. He looked the sea again. वह फिर इन सब चीज़ों को देखता है और उसको क्या होती है, अपने से वो बहुत क्या होता है, इमोशनल हो जाता है. और फिर वो एक बार सी में दोबारा देखने लगता है कि ही वॉज वेटिंग टू हाई टाइट्स. वह फिर उन हाई टाइट्स का वेट करता है कि वो आए और उसे ले जाएं. ग्लाइंड द स्वेप, वो उसको सी के साथ लेकर जाकर साफ कर देते. नथिंग लेफ्ट टू हिम. वो यहाँ पर अब नहीं रहना चाहता. ये नो होटल द वर्ल्ड. अब इस पूरे देश से संसार से क्या हो गया था, निराश हो गया था. नो होम, नो रिटर्न, नो मनी, नो फन फॉर हिमसेल्फ ऑफ हिज फैमिली. अब उसके पास ना तो मनी थी ना उसके पास कोई होम था, तो वो क्या हो गया, और ना ही उसके फैमिली भी थी. ही वुड बी impossible for him built in his life to back again. अब उसे दोबारा से लाइफ जीने में क्या हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम फील कर रहा था, बहुत impossible सा सारी चीज़ें होती जा रही थी उसके लिए. Everything was lost. उसका सब कुछ क्या हो गया था, lost हो गया था. He came to his city to earn money of his village. So his family could live in comfort. वह शहर से कहाँ आया था, शहर में गांव से मनी को एक्सपेंड करने के लिए आया था और अपनी फैमिली को कंफर्ट देना चाहता था. बट नाउ ही हैड लॉस्ट हिज जॉब. अब उसके पास उसकी जॉब भी नहीं है. ही हैड नो प्लेस टू लिव. अब वहाँ पर उसको रहने की भी कोई जगह नहीं थी. ही डिड नॉट अर्न मनी गो बैक टू हिज विलेज. अब वो पैसे भी नहीं थे जिससे कि वह वापस अपने गाँव भी
जा सके या अपने विलेज भी जा सके। ही सर्च फॉर हिज वॉलेट एंड वॉज मिसिंग, इट वॉज मिसिंग। अवेयर वॉज डिप्रेशन वॉज ओवर हिम, इवन हिज सुसाइड नोट वॉज गॉन। उसने अपने वॉलेट में देखा बट जो वॉलेट भी मिसिंग था। ही वेव्ड डिप्रेशन, अब उसको और भी क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ कि मेरे जाने के बाद कोई मुझे पहचानो, वन नाउ वन वुड एवर नाउ वेयर ही वेंट और व्हाई ही डिड इट। इट वुड बी लाइक टू नेवर एक्साइटेड एग्जिस्ट, नो एंट्री और नॉन एंट्री अबाउट हिज फैमिली। दे वुड नेवर गेट टू नो अबाउट हिज डिसीजंस। हिज फेसेस टू हिज वॉज हिज फैमिली, द विलेज फ्लैश्ड बिफोर हिज आइज। अब उसके मन में ये था कि मेरे जाने के बाद भी किसी को मेरी कोई मेरी फैमिली के बारे में भी मुझे कोई फैमिली के को भी मेरे बारे में नहीं बता पाएगा। उसके फेस के सामने क्या हो रहा था, पूरा पिक्चर जो है वो सीन उसका फैमिली का आ रहा था। सडनली ही फेल्ट हाई वेव्स, वो अचानक से क्या करता है, उस हाई वेव्स में जंप करता है। द टाइम हैड कम टाइट टू बिग, जैसे ही वो टाइप स्टार्ट होती है और वैसे ही वो उसमें जंप कर देता है। ही क्लोज हिज आइज व्हेन सडनली ही पुल्ड वाटर बाय द वेव्स टू रिलीज दैट मोमेंट, दैट वॉज द मिस्टेक। फिर उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि ये मेरी एक मिस्टेक है। रघु वॉक्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल टू क्लोथ्स आफ्टर चेंजिंग। उसने क्या किया, वो उसको हॉस्पिटल, रघु उसको सही समय पर हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पर वो उनकी जो भी चार्जेस होते हैं फीस की वो डॉक्टर्स को देता है। और डॉक्टर हैज एश्योर्ड, डॉक्टर उसको क्या करता है, बताता है कि मरून ट्राउजर वाला जो व्यक्ति है उसको बहुत माइनर सी क्या हुई है, चोट आई है। ही हैड ही, इट वॉज हार्ड टू पुल हिम एंड ड्रैग हिम। अब आप उसको उठा कर ले जा सकते हैं, उसको वहाँ पर लाने में भी उसको क्या हुई थी, पुल करने में, उठाने में भी और उसको ड्रैग करके लाने में भी, उस रॉक के पास से, हाजी अली दरगाह के पास से लाने में उसे बहुत ही क्या हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स उसने, बहुत डिफ़िकल्टी से वो वहाँ तक लेकर पाया था। इट वॉज़ इवन हार्डर टू गेट टू द हिम हॉस्पिटल। अ मैन वॉज कॉन्शियस बट वेन ही वुड कॉन्शियस ही वुड फाइंड हिज वॉलेट बैक अप हिज पॉकेट इज विद द सफिशियंट अमाउंट वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न हिज विलेज। अब उसने देखा कि उसने अपने वॉलेट को चेक किया तो उसके पॉकेट में उसका वॉलेट भी उसको मिल गया। और उसने कुछ समय तक वेट किया और उसको ये दिखा तो वो अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने विलेज भी क्या कर सकता था और रिटर्न हो सकता था। तो आई एम नो सेंट, उसने रघु ने कहा कि मैं कोई क्या हूँ, सेंट नहीं हूँ। रघु थॉट, रघु ने सोचा, कहा रघु ने सोचा कि द पिक पॉकेट एज ही वेंट ओवर द कंटेंट ऑफ द डॉक्टर वॉलेट बट एट लीस्ट आई एम ह्यूमन। रघु ने क्या किया, रघु ने एक बहुत अच्छा काम किया, एक पिक पॉकेटर होते हुए भी उसने एक अपने ह्यूमन नेचर को क्या रखा, एक अदर पर्सन के लिए अपनी फीलिंग दिखाई, केयरिंग दिखाई और एक सेंसिबल पर्सन की तरह उसकी एक अच्छी काम में हेल्प की। अगर वो चाहता तो उसे वहाँ छोड़ भी सकता था और उस वो मर जाता, उसकी डेथ हो जाती, फिर वो अपनी फैमिली से कभी भी नहीं मिल सकता था। बट उसने ऐसा नहीं किया और उसने उसके साथ एक अच्छे फ्रेंड की, एक अच्छे ह्यूमन नेचर के लिए तरह अपनी ह्यूमनिज्म दिखाया ताकि वह उस बच जाए और वो लाइव होकर अपनी फैमिली के पास हैप्पी हैप्पी रह सके। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश, रीड द चैप्टर, एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट्स इन दिस स्टोरी सो यू कैन आस्क मी। नाउ दिस टाइम इज होमवर्क टाइम, सो राइट डाउन द होमवर्क, लर्न द मॉरल थॉट्स।